बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर अब शहर के भामाशाह भी आगे आने लगे हैं। इसी कड़ी में 2 फ्लोर में 200 बेड व्यवस्था, 7 घंटे में 125 तैयार। भोजन की व्यवस्था भी समाज सेवी शारदा चौधरी ने ओल्ड कैंपस में 7 घंटे में 125 बेड लगाकर कोविड केयर सेंटर बनाकर जिला प्रशासन के सुपुर्द किया है। यहाँ 2 फ्लोर में कुल 200 बेड लगेंगे। रविवार को जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, नगर निगम आयुक्त रोहिताश्व तोमर व JDA आयुक्त कमर चौधरी ने निरीक्षण किया। कांग्रेस प्रवक्ता अजय त्रिवेदी ने बताया कि कलेक्टर ने मेडिकल स्टाफ व उपकरण उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलाया है। स्टाफ रूम के साथ भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए भी अलग से जगह रखी गई है ताकि संक्रमण ना फैले। कोविड पॉजिटिव मरीजों को घर तक दवाई पहुंचा रहे मनीष धारीवाल उद्योगपति व समाज सेवी मनीष धारीवाल ने कोविड पॉजिटिव सीरियस पेशेंट्स को समय पर दवाइयां पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। धारीवाल व उनकी पत्नी 1 माह पहले पॉजिटिव आ गए थे। ठीक होने के बाद उन्होंने तय किया कि वे कोविड पॉजिटिव लोगों को जागरूक करेंगे। मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार और धन्यवाद करती हूँ। अपने माध्यम के से सबसे पहले संदेश देना चाहती हूँ कि सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस को पिछले साल पहली लहर उस समय आई थी जब हमने सभी हमारे युवा साथियों महिलाओं ने मिलकर खाने की व्यवस्था की थी, लेकिन वापस ये लहर टूट पड़ी है। सब जनता परेशान है और पेशेंट भी बहुत परेशान है। तो हमने सोचा, अजय भाई ने मुझे फ़ोन किया कि सर दीदी अपन कुछ ऐसा करते हैं कि पेशेंट के लिए वैसी व्यवस्था हो जाए, पलंग की, चादर की, गद्दे की और खाने की। तो 11 बजे इन्होंने फ़ोन किया, 11:30 में आई, पूरा हॉल वगैरह देखा, सफाई वगैरह करवाई और बिस्तर वगैरह बैठ करके 4 बजे हमने तैयारी कर दी। हम यही चाहते हैं सेकेंड लहर आई है, पेशेंट परेशान ना हो और सभी सुविधा उनको मिले। कोशिश यही करेंगे, कलेक्टर साहब, निगम आयोग, JDA आयोग सभी ये चाहते हैं भाई इनको पूरी फैसिलिटी मिले। कोशिश हम यही करेंगे, उनको दवाई, डॉक्टर, नर्स, ऑक्सीजन की भी कोशिश कर रहे हैं। देखो बाकी यहाँ बेड पूरे, खाने की पूरी व्यवस्था है और आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, सईद अंसारी जी जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार, राजेंद्र जी सोलंकी के निर्देशानुसार हमने ये कार्य किया है और हमारे ये सभी युवा साथियों, मनीष जी, अजय भाई, हमारे भाई साहब रणवीर सिंह जी कछवा, बेड हमारे यहाँ पे 250 बेड या 300 बेड की जगह है। अभी हमने 100-125 बेड की 92 तो हमने लगा दिए हैं, बाकी के बेड हमारे एक्स्ट्रा पड़े हैं और बाकी कल हम और जैसे जैसे पेशेंट बढ़ेंगे बेड हम लगा देंगे। और सुबह उनको चाय और बिस्कुट, वापस 10 बजे दाल और हरी सब्जी और रोटी, शाम को 3 बजे चाय और खिचड़ी, शाम को चावल मूंग की, पेशेंट के हिसाब से जो भी। हम एक ही चाहते हैं, एक ही पेशेंट हमारे बिल्कुल सही होके घर जाए। कोरोना की लहर टूट पड़ी है, सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। प्रशासन ने अपील की है कि बाबा से आगे आए और ऐसे पेशेंट की सहायता करें, क्या आप बताना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की प्रेरणा से एक ही प्रशासन का आह्वान है, गांधी दर्शन समिति की पूरी टीम ने इस आह्वान को अपने साथ में जोड़ा है। हमारे जो शारदा चौधरी जी हैं उन्होंने इसका बीड़ा हमारे साथ मिलकर उठाया है। हम लोगों का ये प्रयास है कि ये जो कोविड सेंटर यहाँ पे शुरू किया जा रहा है इसमें हम माइल्ड या जिस तरह की भी पेशेंट प्रशासन हमको कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे उनको एडमिशन जो प्रशासन के अकॉर्डिंग करेंगे। 100 बेड की व्यवस्था कल वॉर फुटिंग हमने यहाँ पे किया है इंतजाम और प्रशासन इसमें पूरा सहयोग कर रहा है, प्रशासन हमारे साथ में है। हम चाहते हैं कि अगर 100 बेड और अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। प्रयास यही रहेगा कि जोधपुर के पेशेंट को परेशानी नहीं होनी पड़े और माइल्ड पेशेंट जो मेंटल ट्रॉमा से जा रहे हैं एटलीस्ट उनको बिगनिंग में ही अगर उनको सारी सुविधाएं मिलने लग जाए तो वो मेंटल ट्रॉमा से नहीं गुजरेंगे और उनकी बीमारी वहीं तक सीमित रह जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा, इस सेंटर का प्रयास रहेगा। गांधी दर्शन समिति की टीम, हमारे शारदा चौधरी जी और बाकी प्रशासन और जो लोग भी इसके साथ जुड़े हैं मैं उनका सबका, मीडिया बंधुओं का साधुवाद भी ज्ञापित करता हूँ।